अलाइनमेंट बराबर होनी चाहिए हो जैसे ये ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों ऐसे हैं ऐसे, ये इसके साथ ही लगाना है, जितना ये टेढ़ा होगा इतना ये टेढ़ा होगा, ये ऐसे हो, ठीक है, ये जितना ये इतना ये, दोनों की अलाइनमेंट बराबर हो और ये घुटने की अलाइनमेंट ये इससे आगे ना जाए, जैसे ये बॉल करते हैं ना, अब देखा ना अलाइनमेंट इसकी, ये देखो बराबर है ऐसे ऐसे ही है ना जी, ये जैसे आपने बॉल करना है ना, ये इस शोल्डर को फेस आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, फेस टू वर्ड्स बॉल, बॉल बैट्समैन ये सामने, इसमें पूछा है ना थोड़ा बॉल की पेस है कि ये हाथ ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा, जैसे अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से टक इन, जैसे टक इन होता है ना तो आप आगे गिरते हो ना तो ये निकल जाता है, जोर से टक कर मैं जितना इसको तेज घुमाओगे उतना बॉल तेज जाएगा, हवा में फ्लाइट भी उतना जाएगा, ये पकड़ा मैंने, ये मेरा हाथ है, बॉल मैंने आराम से फेंकना है, ये इसकी स्पीड और शोल्डर के साथ ये बॉल जाएगा, जैसे आपका ये बहुत ज़्यादा अंदर जाता है ना, 10 कदम पे खड़े हो गए ना, आपने प्रैक्टिस करनी है, ये खड़े हैं ना, ये इसको पकड़ के ना हाथ गया, ये हाथ भी देखो पीछे, ये आपने ऐसे ही खड़े रहना, उसमें आपका ये ना क्यों, ये आपका जोर लग रहा है बॉल फेंकते हुए, इसको नहीं मूव करना, जोर लगे ना ये, फिर आप थोड़े से बॉल करोगे ना ऐसे ऐसे आवाज़ आएगी आप, फिर जैसे ही आप 10 दिन प्रैक्टिस करोगे ना तो ये जाएगा ना, ये चला गया। और ग्रिप का पूछना था, ग्रिप का ये कि लास्ट टाइम मेरी ग्रिप बन चुकी है, ऐसे मैंने बॉल पकड़ा ना ऐसे गेहूँ इधर फॉलो थ्रू पे, लास्ट टाइम इधर ग्रिप बन चुकी है, हाँ तो कोई इशू नहीं है, देखिए ग्रिप का ग्रिप आपकी बिल्कुल ठीक है, 2-3 तरह की ग्रिप है, एक ऐसे पकड़ते हैं ये फिंगर स्पिन, नॉर्मल ग्रिप ये होती है, ये हर बंदा पकड़ता है ना इसको, कोई ऐसे पकड़ लेते हैं, मैं ऐसे पकड़ता था क्योंकि मैं इसको सीधा भी कर सकता हूँ, इससे ये ग्रिप से बॉल सीधा आराम से होता है, दूसरा भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है, एक ही ग्रिप, और कोशिश करें कि एक ग्रिप होनी चाहिए, और ये ग्रिप अच्छी है, ये बेस्ट ग्रिप है, ये हर बंदा जो इसको इस्तेमाल करता है उसके बाद यही है, अगर आपने इसको थोड़ी पेस्ट डालनी है या कोई करना है तो इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ये दोनों से इसकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत है, और अगर आपने थोड़ा साथ में आम बॉल भी करना है तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक ग्रिप है, ये सकलैन मुश्ताक और मैं पकड़ते थे, अब जो नॉर्मल ग्रिप है ये है, ठीक है, ये आम रूटीन वाली है, इसको पकड़ने के लिए इसको इसकी ग्रिप इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये आपका पाम हाथ लगा के देखें, ये टाइट नहीं पकड़नी, ये लूज नहीं पकड़नी, ये मिडल में हो, तो फिंगर से बॉल जब हाथ से निकलता है ना तो ये आम आपके बॉल की स्पीड को बढ़ाता है, याद रखना ये ऐसे नहीं बढ़ती, फॉलो थ्रू में बढ़ेगी, ये जितना आप तेज़ मारेंगे ना उतना तेज़ जाएगा, जितना आप इसको आम स्लो करेंगे या फॉलो थ्रू को कम करेंगे तो उतना आएगा, तो सीधा बॉल करने के लिए ये ग्रिप से आराम से इजी, तो इसको ट्राई करें, आपका ये वाला ये ब्लॉक होता है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ये खड़े होकर करना ताकि ये लगे, ये अब मैं ये करता था, मैं मेरा ऐसे करता था, मगर मैं पुश करता, पुश फॉलो थ्रू आपका आफ्टर द बॉल एक स्टेप का होना चाहिए, ये गया बस भाग के नहीं जाना, स्पिनर का ये है कि रेडी बॉल रेडी टू कैच, ये चीज़ें बाकी जो करते रहो, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सर, बाकी आप इंजॉय करें।
जो आपकी गेम है उसको खेलें, अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो मैं हाज़िर हूँ, कहीं भी आप फैसलाबाद मेरी अकेडमी में आ सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट वो नहीं है मगर सीखने के लिए पाँच साल से। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।